लेकिन न्यूजीलैंड के लिए डिसएडवांटेज ये है कि स्कोर इतना कम है 143 के, अगर रोहित चार पांच ओवर टिक गया, जायसवाल चार पांच ओवर टिक गया, तो मैच सिर्फ औपचारिकता रह जाएगी, फॉर्मेलिटी रह जाएगी, मैच खत्म हो गया। और इंडिया के लिए दिक्कत यह है कि अगर एक दो विकेट जल्दी आ गई, बहुत प्रेशर आ जाएगा, और पार्टनरशिप लगाने में बात आ गई, पार्टनरशिप आपकी होती नहीं है। हमारी पहली इनिंग में दिखाना जरा क्या वो फॉलो विकेट्स थी, पहली इनिंग में देखते एक बार किस तरीके से फॉलो विकेट्स गई, बिकॉज पहली इनिंग में आपको स्टार्ट अच्छी मिली, फिर एकदम से तीन विकेट चली गई, और फिर थोड़ी बहुत पार्टनरशिप, फिर एकदम से तीन चार विकेट चली गई। 81 for 4 थे, 81 for 4 थे, फिर वहां से लेकिन जैसे ही फिर पंत आउट हुआ, लेकिन लगातार तीन विकेट बैक टू बैक खो दिए थे। हाँ। वो रन आउट हो गया तो कोई उस ऐसे विराट का रन आउट आ गया, फिर जयसवाल बोल्ड हो गए, डीएसपी आ गए थे, डीएसपी सिराज एक बॉल पे एलबीडब्ल्यू हो गए, तो बैक टू बैक विकेट जाने के बाद स्कोर कार्ड ऐसा था कि 84-4 थे आप। हाँ 84 की 80 ऐसे। अब आप यार मुझे अभी भी, अब आप उस हिसाब से लगाओ 80 पर 4 हो, मतलब मैं थोड़ी देर पहले तो 143 सोच के आपको अभी भी यहां से 70 रन चाहिए, लेट से 150 का चेस है, 80 पे 4 हो, 70 रन चाहिए, विकेट हाथ में है 6 आपके पास, आपके पास भरोसा है आप जीत लोगे, लेकिन प्रेशर तो रहेगा। 70 रन चाहिए और 6 विकेट हाथ में, फिर तो आप जीत गए, जीत रहे हो, लेकिन एक मन में रहेगा ना। इसका उल्टा बता दूं, अगर 80 पे 6 हो, अबे यार तब तो फिर गेम ही उनके पास 80 पे 6 हो और 70 पे आपको 4, हाँ तो नीचे ही बेटर है ना, वो अलग चीज है, लेकिन 80 पर 6 पे तो भाई वो बिल्कुल तैयार होंगे 80 पर 6 के पास है, 80 पे 6 वाली है, लेकिन अगर आपने कहीं 80 पे 6 5 गिरा दिए वो तैयार हो जाएंगे बिल्कुल। उनको लग रहा है वो एक ही बात है कि ऋषभ बचा गया तो बचा गया, वरना 80 पे 6 और ऋषभ पंत क्रीज 64, जायसवाल शुभमन ऋषभ ये तीन है, यही तीन हो गया यार। मैं वो नहीं हो पा रहा, मुझे कन्विंस नहीं हो पा रहा कि कल इजी जीत जाओगे। देखो जायसवाल ने 30 रन मारे थे, फिर रिवर्स मार के आउट हो गए, गंदी शॉट मारी थी इसके और बनता था, जैसे इसने गंदी शॉट मारे ना अभी रचिन रविंद्र ने। रोहित का तो कहना ही क्या, शुभमन गिल बहुत बढ़िया खेल गया 90 रन, मोहम्मद सिराज पता नहीं क्यों भेज दिया था, कोहली साहब देख रहा, कोहली अब ये गिफ्ट थोड़ी कर दे कोहली साहब दोबारा विकेट, वही मैं कह रहा था कि कल भी मैंने यही सवाल पूछा था के सामने लेट नाइट एरी में, अगर आपको याद हो आपको, मैंने लेट नाइट एरी में यही कहा था कि विराट और रोहित अभी ऐसा हो गया कि वॉकिंग विकेट बन चुके हैं, एक विकेट जो यहाँ पे आपकी मेन गई है वो यशस्वी की है, आप मुझे बाकी जो तीन विकेट गई है उसका वो आजकल वैसे भी हालिया समय में वैसे भी फॉर्म में नहीं है। आपकी जो बैटिंग शुरू हो रही है ना पांडे जी, वो ऋषभ पंत, शुभमन गिल, यहाँ पे यशस्वी, जायसवाल, रविंदर जडेजा, सरफराज, यही मिलकर आपके जो लोअर मिडिल ऑर्डर है वही बचा रहा है। मैं भी तो वही बात कर रहा हूँ तो कि आप जीतोगे, लेकिन आप जो आपने इतनी आसानी से नहीं जीतोगे कि जो 2 8 विकेट से जीत गए, ये तब होता है 8 विकेट से जीत गए, 7 विकेट से जीत गए, जब टॉप ऑर्डर ऊपर से रन बनाता है, आप रोहित शर्मा ऊपर आएंगे, आपके लिए विराट कोहली नंबर 4 पे बैटिंग करेंगे, जायसवाल ठीक है हिट एंड मिस है, अगर लग गया बहुत अच्छी बात है, मैं अभी भी चाह रहा हूं जायसवाल के रन आए ऊपर से, क्योंकि जायसवाल के रन आते हैं आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। ओ भाई ये मैंने बोला था क्या चेतन देव शर्मा जी, ये तो मैंने बोला था कम से कम, आप मेरी बात कर रहे हैं, पांच नहीं 8 चले गए, 8 चले गए भाई एक सेशन में, तो 5 वो प्रियंशु तो पाकिस्तानी, दो गिरेगी और मारेंगे, बैटिंग हो जाएगी, मैं बोल रहा था बैटिंग नहीं होगी, बोल रहा था बैटिंग नहीं होगी, 8 विकेट बैंक गिर, अब तो मुझे लग रहा है हमसे भी नहीं होगी, नहीं नहीं हमसे हो रही है, अच्छा हमसे हो रही है बैटिंग, ठीक है। आप जो कह रहे थे ना कि 80 पे 3 80 पे 4, मैं कह रहा हूँ 80 पे अगर 4 भी है ना फिर भी हम जीत जाएंगे। यार एक बार इसके वांखड़े के ना और स्टैट्स निकालो, ये तो मैंने देख लिया कि हाईएस्ट सक्सेसफुल चेजेस क्या है, मतलब कितनी कितनी पास पहुंचे, कितने रन चेज के चाहिए थे, जैसे लेट्स से 170 चाहिए थे तो टीम्स कितने पे ऑल आउट हुई हैं, और आसपास के निकालो, इतने पुराने पुराने मत निकालो यार, 2001 2011 12 अभी के निकालो जो हाल फिलहाल में हुए टेस्ट मैचेस, टेस्ट मैचेस हुए क्या वांखड़े में पिछले 5 वो निकाल लो, उसमें क्या हुआ था मैच में वो देखते हैं। कुछ भी कहो सुश भाई, टीम इंडिया चोक ही करेगी, आई होप ये मुझे गलत साबित कर दे, बट दिल है कि मानता नहीं अजय सिन्हा। पहले तो पहली सुपर चैट भेजने के लिए शुक्रिया, और अब तो जैसे ये मनहूस आदमी ने बकवासे करी है तो मेरा भी दिमाग उधर चल रहा है कि भाई हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आप अभी तक देखो मैं हो जाएगा, मनगढ़ंत कहानियों पे, मनोहर कहानियों पे नहीं जाऊंगा, मैं देखूंगा फिगर्स के वांखड़े में हुआ क्या है, क्योंकि वट एवर सेड एंड डन पिच का बहुत बड़ा रोल है। न्यूजीलैंड की टीम इतनी बुरी भी नहीं है यार, 171 पे निपट गई है सारी की सारी, किसी से बैटिंग नहीं हुई, और बाय द वे आपसे भी बैटिंग नहीं हुई थी, हालांकि आपका एक रन आउट हो गया था, 2 आपकी कैच ड्रॉप हुई है तब जाके मिला है आपको, और वो भी पहली इनिंग में भी वो मरा के 235 पे पहुंचे थे वो, तो ये यार ये पिच पे 2 दिन में तो मैच खत्म हो गया है, तो कैसी पिच होगी ये सोच लो, 8 8 9 9 विकेट तो स्पिनर लेके जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं आपने इस पारी में लगभग 260 के आसपास बनाया, 100 रन कम लगा लेता हूं, 160 तक तो कम से कम आप जा पाओगे, तो अगर 150 भी बना रहे तो मैच तो हमारे गिरफ्त में है। देखिए आपको लग रहा है 110 रन कम लगा, आपको लग रहा है ऐसा,
अगर आपकी, मैं फिर वही बोलूंगा कि आप भाग्यशाली रहे, ऐसा न्यूजीलैंड करती नहीं है कि हाथ की दो दो कैचे छोड़ दें, आप भाग्यशाली रहे कि आप वहां तक पहुंच गए। उनकी गलती थी ना सर, मान रहा हूं, लेकिन दोबारा दोबारा इतनी लकी नहीं रहोगे आप। और दोबारा में छोड़ उन्होंने भी तो पहली इनिंग में बनाए थे 235, सेकंड इनिंग में कितने बनाए, 171, 65 रन कम, 65 रन कम, 65 मैं तो 100 रन लगा रहा हूं भाई आप। लेकिन कल तीसरा दिन भी है, चौथी इनिंग भी है, पिच और ज्यादा बुरी हो चुकी है, इसको आप फैक्टर इन नहीं कर रहे हो। आपने बैटिंग करी थी, कब करी आपने बैटिंग, पहले दिन थोड़ी बहुत बैटिंग करी आपने, और सेकंड दिन बैटिंग करी आपने आज सुबह सुबह, राइट, रोलर भी लिया होगा आपने तो सुबह आसान हुआ होगा, उसके बाद बाद में जब क्रैक्स व्रैक्स फटने लग गए तब। एक चीज रोलर की क्योंकि आपने बात कर दी, फिर कल को इनिंग्स ब्रेक होगा जब ये जाएंगे, रोलर फिर चलेगा, रोलर ले लो लेकिन चलेगा यार, अभी हमारे लिए भी हाथों से निकल गई है नया गेंद, ये इंडियन पिच रैंक टर्नर है, ये हाथों से निकल चुकी है, रोलर ले भी लोगे तो मैं तो बोल तो रहा हूँ कि 5-6 ओवर चलेगा। शुरुआत अगर शुरुआत अच्छे मिल जाती है ना, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, जो मिलने वाली है, न्यूजीलैंड विल विन टुमारो, दे विल ऐड 20 रन भाई, 20 हाथ जोड़ वाले 20 रन हो गया तो 20 रन थोड़ी जोड़ देंगे ना अभी विकेट के लिए भाई, 20 रन तुमको 4-5 रन बोले तो समझ में आ, 20 रन runs tomorrow and his Sodhi will take 5 wickets, they deserve to win because they fight for win, Rohit LBW O'Rourke। अच्छा हमने क्या किया इस मैच में फिर भाई, रोहित शर्मा तो मैं 235 पे पहले आउट किया भाई, 235 आपने भी 260 मारे हैं ना, उनकी बैटिंग तो आपसे अच्छी हो रही थी, उनकी बैटिंग तो इस सीरीज में आपसे अच्छी है। मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि न्यूजीलैंड का चांस तो है, लेकिन ये नहीं है कि मतलब हम पीछे नहीं है, चांस है हम पीछे मुझे लग रहा है इंडिया जीत रही है कल, लेकिन अब थोड़ी सी टेंशन हो रही है, ये सारी बातें सोच सोच के ना दिमाग खराब हो रहा है, लग रहा है कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए, बिकॉज अभी तक तो यही होते आ रहा है कि बचे नहीं हम पूरी सीरीज में, जहां जहां हमारी उम्मीदें बढ़ी वहां वहां हमें मुंह की खाली पड़ी, सो लेट्स सी कि क्या होता है। बट देखिए विन प्रोबेबिलिटी न्यूजीलैंड की 6.6% है और इंडिया की 92.9% है, 92.9% इंडिया की विन प्रोबेबिलिटी, तो खैर शिफ्ट हो जाएगी वो सर एक बार ये होगा तो, 92.9 हमारे हक में तो शिफ्ट क्यों करवा रहे हो, मैं तो चाहता ही नहीं, सर्वे द्वारा बोल रहे हैं 3 विन्स इन बीजीटी इज इंपॉसिबल, रिमेंबर वी हैव 1 डे नाइट टेस्ट 2, भाई इंपॉसिबल इज नथिंग, होने को तो हो जाएगा लेकिन पहले ये वाला तो जीतो भाई, ये आपको लग रहा है जीत ही गए, ऐसा नहीं है, अभी पहले जीतना है, कहीं कल आप इसी मानसिकता से आओ कि अरे जीत गए ही जीत गए, पंत मार देगा, ये मार देगा, वो मार देगा, पता चले टक 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 खत्म, 80 वाला आउट हो जाएगा, ऐसा नहीं हो रहा, कप्तान वहां पे खड़े रहेंगे, हालांकि आपने पहले दोनों टेस्ट मैच में जो बकवास करी थी ना आप याद कर लीजिए, हालांकि मुझे याद है आपने बोला था कि हार रहे हम, अभी भी स्टेक उस बात पे, मैंने आपने बोला था ना जीत रही है इंडिया, हाँ मैंने यही कहा था कि टीम इंडिया जीत रही है और बनता भी नहीं था हारना, ये कैसे हार गए इस बार, वो इसमें टीम फोकस लगा था या नहीं था वो नहीं मुझे पता, हार गए ना आपने बोला जीत रही है, चुप रही है इस बार, पहले से बहुत ज्यादा फोकस, मेरे को तो अब लगना है धीरे धीरे कि 60-40 इंडिया, वैसे मैं 80-20 इंडिया फेवर में दे रहा हूँ, इंडिया 80-20 न्यूजीलैंड, लेकिन न्यूजीलैंड का चांस है।